जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का सुमेध एंड वृंदा क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मैं आप सभी को अपनी सांझी माता के दर्शन करवाती हूँ। ये है हमारी सांझी माता, लाल चुनरी में कितनी मनमोहक लग रही हैं। देखिए इनका श्रृंगार और साथ में है सांझी माता की बहन। तो इस तरह से हमने सांझी माता का भवन सजाया है। ये कलश की स्थापना भी की है हमने साथ में। और ये है सांझी माता का भाई और ये है चोर जो उल्टा लटका हुआ है। और सांझी माता के भवन में हमने लगाए हैं चांद, सितारे और सूरज, और आकाश में ढेर सारी चिड़ियाँ। तो इस तरह से हमने अपनी माता रानी का भवन सजाया है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ सांझी माता को कौन सा भोग लगता है। सांझी माता को लगता है लौंग का भोग। लौंग माता को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। साथ में इन्हें लगता है मेवे का भोग। ये भोग लगाने के बाद सभी को बांटना चाहिए और इन्हें लगता है फल का भोग। और सबसे मुख्य भोग इन्हें लगता है दूध का या दूध से बनी हुई चीज़ों का, जैसे कि खीर, मीठी चीज़ों का इन्हें भोग लगाया जाता है। दूध का या दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, हमारे रोग दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, दुखों का नाश होता है। माता प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। सांझी माता को 3 बार या 2 बार भोग लगाना चाहिए। जय श्री कृष्णा।